हम हर रोज फल और सब्जियां मार्केट से खरीदते हैं, चाहे वो हम किसी मॉल से खरीदें या किसी गरीब ठेले वाले से। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हम मॉल में किसी प्रकार का मोल भाव नहीं करते। जितने का उन्होंने बिल बनाया उतने का बिल हम हंसते हंसते भर देते हैं। लेकिन जब हम किसी गरीब ठेले वाले के पास फल या सब्जी खरीदते हैं तो हम अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं और अपना पूरा जोर लगा देते हैं उसका रेट कम करवाने के लिए। बड़े बड़े मॉल में अगर कोई 100 रुपये किलो सब्जी देता है तो चलो भैया इसे पैक कर दो, इससे आगे हम एक शब्द भी नहीं बोलते। और ठेले वाले के पास 100 रुपये की चीज 80 रुपये लगाओ भैया, ये बहुत ज्यादा है, हम आपके पास ही तो खरीदते हैं, आप ही हमारे साथ ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अगर आप यही बात किसी मॉल में बोलते तो आपको दरवाजे का दर्शन करवा देते, ये बड़े लोग हैं जो आपकी नहीं सुनेंगे। 5-5 रुपए कम करवाकर हम सब्जी लेकर आते हैं, मतलब जो हम ये दादागिरी करते हैं ये गरीब आदमी पर ही क्यों करते हैं, किसान पर ही क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारा पेट पालता है। हम तो उस गरीब को बोल देते हैं, तुम्हारा क्या लगा, तुम्हारे तो घर की है, क्यों भाई साहब उसमें मेहनत नहीं लगती। गरीब आदमी अगर सब्जी बेचता है तो उसका इरादा अमीर होने का नहीं बल्कि अपना गुजारा चलाने का होता है, जबकि शोरूम वाले का इरादा गुजारा चलाने का नहीं बल्कि अमीर होने का होता है। आप लोग अपने बच्चों को जिस तरह पाल पोस कर बड़ा करते हैं वैसे ही एक किसान अपनी फसल से प्यार करता है, वैसे ही अपनी फसल को बड़ी करता है, उस फसल के साथ उसका खून, उसका पसीना, उसकी आशा, उसकी उम्मीदें सब कुछ जुड़ी रहती हैं, तब जाकर वो फसल काट पाता है। हम शोरूम में कोई गाड़ी लेने जाते हैं और उस गाड़ी की कीमत 7,30,525 रुपये है तो ये 25 रुपये भी तुम्हें देने पड़ेंगे, और किसान के पास अनाज लेने जाते हैं तो 5-5 रुपये कम करवाते हैं। क्या मानसिकता है ये, जिंदगी की सबसे जरूरी चीज अनाज है, खाना है, कपड़े हैं, गाड़ी नहीं है। गाड़ी अगर नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा, लेकिन जिस दिन अनाज नहीं होगा उस दिन मारे जाओगे, ये गाड़ी घोड़े सब भूल जाओगे आप। आपके गले में सोने की चैन जरूरी नहीं है, अनाज जरूरी है, फल और सब्जियां जरूरी है। आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गन्ने के जूस के ठेले पर हम गन्ने का जूस पीने जाते हैं, 10 रुपये की जगह 12 रुपये लगा दिए तो 2 रुपये के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतना शोर मचा देते हैं, जाने इसने कितने मांग लिए। उसकी मेहनत पर तो नजर डालिए साहब, 45 डिग्री तापमान में भी धूप में जलता है वो। उसके ठेले पर कोई एसी नहीं है जो पूरा दिन आराम से बैठा रहेगा। ऑटो वाले ने 10 रुपये की जगह 12 रुपये बोल दिए तो अरे भाई साहब 12 कैसे बोल दिए। अरे यार जो ये छोटे छोटे गरीब आदमी होते हैं ना, हम उन्हीं पर गरजते और बरसते हैं, पर जहां आपको 90 डिग्री के कोण पर मोड़कर हाथ देकर पैसे निकाल लेते हैं वहां पर नहीं बोलेंगे। 2-4 रुपये किसी को देंगे तो आपको दुआएं देगा। कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो वहां पर कभी बोला कि भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा ले रहे हो। सोने की ज्वेलरी लेने जाते हो तो वहां बोला कि भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा ले रहे हो। नहीं ना, आंखें बंद करके पैसे भर देते हो, क्योंकि हम दादागिरी गरीब आदमी पर चलाते हैं, ये शोरूम वाले सहन नहीं करते। जिंदगी की सबसे जरूरी चीज हमें सबसे सस्ती मिलती है, पता है क्यों? इन किसानों की बदौलत। अगर किसान को यूं ही मारा गया ना तो लिख कर दे सकता हूं एक दिन पूरी दुनिया मरेगी। मैं ये बात उन सब लोगों को बोल रहा हूं जो किसानों पर, गरीबों पर रोब दिखाते हैं, उन सबको बोल रहा हूं। किसानों को और गरीबों को इन्हें दबाओ मत, इनकी बदौलत ही हम चल रहे हैं। हम 2-2 रुपए में ना तो अमीर होंगे और ना ही गरीब, और उनका 2-2 रुपए करके परिवार पल जाएगा, ये सोच हमें बनानी है। अगर ये बातें आपको सही लगती हैं तो घुमा दो इस वीडियो को पूरे भारत में। पेज को फॉलो नहीं करोगे तो चलेगा, पर इस वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।